प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। हम सबके लिए जरूरी है कि हम प्रभु के वचन की आज्ञा का पालन करें कि जिसने भी उद्धार पाया है वो अपने जीवन में बपतिस्मा ले। बपतिस्मे में करते क्या हैं? जिसको बपतिस्मा दिया जाता है उसको पानी के एक बहुत बड़े टैंक में या नदी में ले जाकर खड़ा करके उससे पूछते हैं, तुमने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया क्या? ग्रहण करने के बाद उद्धार मिला क्या? उद्धार का निश्चय है क्या? यदि निश्चय है, बपतिस्मा लेना चाहते हो क्या? और जब वो जवाब देता है या देती है कि मैं लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उससे पूछा जाता है कि किसी की जोर जबरदस्ती के कारण या अपने स्वयं की इच्छा से? तो यदि वो भाई या बहन कहता है कि मैं अपनी इच्छा से बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, तो उसके बाद बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति ये कहता है, तुमने जो कहा है उसके आधार पर मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ, और उसके बाद उस व्यक्ति को पानी में डुबाकर उठा देता है। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि मृत्यु के बाद हमको गाड़ दिया जाता है। उसी तरह से जब पानी में डुबा दिया तो हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु को जब हमने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया तब हम प्रभु के साथ, हमारा जो पुराना जीवन है उस पुराने जीवन के लिए मर गए, और जब हम पानी के ऊपर आए तो हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं अब हम एक नया जीवन जी रहे हैं। इस मंडली में भाई संतोष को मैंने बपतिस्मा दिया था, उनसे पूछें वे आपको बताएंगे। पिछले एक महीने में मैंने लगभग 12 या 13 लोगों को बपतिस्मा दिया है। कल भी दो युवा भाइयों को, नहर में था, नहर में यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर बपतिस्मा दिया। किस लिए? इनमें से हर व्यक्ति इस बात को दूसरों के सामने प्रकट करना चाहता है कि मैंने उद्धार पाया है। जी हाँ, मैंने उद्धार पाया है, ये एक नया जीवन है, और मैं सबके सामने इस बात की गवाही देना चाहता हूँ कि मैंने ये जो नया जीवन पाया है अब उस नए जीवन जैसा चाल चलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर यदि ऐसा कोई भाई या बहन है जिसने नया जीवन पाया है लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया है, तो इस मामले में इंतजाम करने के लिए हम लोगों से, हम में से किसी से संपर्क करें। दूसरी बात, यदि आपने उद्धार ही नहीं पाया है तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, मसीही विश्वास का सारांश है यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेज दिए। किस लिए? मेरे आपके लिए बलिदान होने के लिए, जिससे कि जो भी व्यक्ति उस प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में माने वो नष्ट ना हो जाए, शाश्वत नरक में ना जाए बल्कि शाश्वत जीवन पाए। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनमें से कोई भी भाई या बहन यदि ऐसा है जिसके जीवन में या जिसको शाश्वत जीवन का अनुभव नहीं है, तो इस सभा के बाद आकर मुझसे मिल लें, मैं आपको शाश्वत जीवन के बारे में और अधिक बताऊंगा जिससे कि आप शाश्वत जीवन पा सकें। पिछले हफ्ते अपन
पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय के 18वें पद तक हम आ गए थे। मैंने कहा था कि 18 से आगे जो है उसको हम विस्तार से इस संडे देखेंगे। तो यूहन्ना दूसरा, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 18। बच्चों, यह अंतिम घड़ी है, और जैसा तुमने सुना था कि मसीह विरोधी आने वाला है, वैसे ही अब अनेक मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम घड़ी है। याद होगा आप सबको, पिछले हफ्ते ये बात मैंने आपको याद दिलाई थी कि अंतिम घड़ी आ गई है। प्रभु यीशु ने मृत्यु से पुनर्जीवित होने के बाद अपने शिष्यों को 40 दिन दर्शन दिया था, उनको तमाम तरह की शिक्षाएं दी, प्रबोधन दिया, और प्रभु ने कहा कि मैं जाने वाला हूं और जैसा मैं जा रहा हूं वैसा ही वापस आऊंगा। 40 दिन प्रभु जब इस तरह की शिक्षा दे चुके, उसके बाद एक दिन जब प्रभु शिष्यों के साथ जैतून पर्वत की ऊंचाइयों पर खड़े थे, तब अचानक शिष्यों के देखते 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 प्रभु आसमान में उठा लिए गए। वो लोग भौंचक्के रह गए, सुना बहुत था लेकिन जब एकदम से सामने आया तो चकित हो गए। तब एक स्वर्गदूत ने उनसे कहा, इस तरह से आकाश की ओर क्यों ताक रहे हो? वह प्रभु जो तुम्हारे सामने से उठा लिया गया उसी तरह से वापस आएंगे। प्रभु ने इसके लिए बहुत सारे चिन्ह बताए थे, वे चिन्ह एक एक करके हमारे सामने पूर्ण हो रहे हैं। प्रभु के वचन में ये भी कहा गया है कि प्रभु की ये जो वापसी है ये दो स्टेजेस में होगी, दो चरणों में होगा। पहला स्टेज या पहला चरण जब प्रभु मध्य आकाश में आएंगे, प्रधान दूत तुरही फूकेंगे, तब पेंतिकोस्त के दिन से लेकर उस दिन तक जितने लोग इस शाश्वत जीवन को पाने के बाद गुजर गए हैं वे सब पुनर्जीवित हो जाएंगे। अनश्वर शरीर में, ये शरीर नश्वर है लेकिन पुनर्जीवन शरीर जो है या पुनर्जीवित होने पर जो शरीर दिया जाता है वो अनश्वर है, वे पुनर्जीवित होंगे अनश्वर शरीर में। उस समय हम जितने लोग जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में पाया है और जो लोग इस दुनिया में जीवित होंगे, हमारा रूपांतर हो जाएगा। जिस तरह से उनको अनश्वर शरीर दिया गया है वैसा ही अनश्वर शरीर हमको भी दिया जाएगा, और इस तरह से इस अनश्वर शरीर में ये दोनों के दोनों ग्रुप मध्य आकाश में उठा लिए जाएंगे। वहाँ पर 7 साल हमारा न्याय होगा, करोड़ों लोग होंगे। पिछले 2000 सालों में करोड़ों लोगों ने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उन सबका न्याय होगा, हमारे कर्मों का न्याय होगा। जिसने जो कुछ किया है उसके अनुसार उसको पारितोषिक दिया जाएगा। ये न्याय शाश्वत जीवन के लिए नहीं है। शाश्वत जीवन तो हमको तब मिल जाता है जब हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये करोड़ों लोग जो प्रभु की उपस्थिति में खड़े होंगे, शाश्वत जीवन उन सबका है, लेकिन शाश्वत जीवन के अलावा हमने अपने जीवन में जो कुछ किया है उसका प्रतिफल, उसका पारितोषिक वो अलग अलग होगा। आपने जो किया है उसका फल आपको मिलेगा, मैंने जो किया है उसका फल मुझे मिलेगा। इन 7 सालों के बाद मध्य आकाश से प्रभु उस पर्वत पर जहाँ से प्रभु का स्वर्गारोहण हुआ था वहाँ पर पैर रखेंगे। उसके बाद 1000 साल तक
प्रभु स्वयं राजाधिराज के रूप में इस दुनिया का राज्य करेंगे। सिर्फ विश्वासी लोग, हम लोग नहीं, हम तो रूपांतरित शरीर में हैं, दुनिया में जितने लोग बचे हैं और उन 7 सालों में जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, वे सब के सब उस सहस्त्र वर्ष राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। दुनिया के आज तक के इतिहास में ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ है, ऐसी कोई महारानी नहीं हुई है जिसने पूर्ण न्याय के साथ न्याय किया हो या राज्य किया, कोई नहीं है। लेकिन पहली बार दुनिया में पूर्ण धार्मिकता, पूर्ण ईमानदारी के साथ न्याय होगा, राज होगा। कब? जब प्रभु यीशु राजाधिराज के रूप में दुनिया में राज्य करेंगे। आप पूछेंगे कितने लोग होंगे दुनिया में? मेरा अनुमान है कि 10 लाखों में उनकी संख्या होगी, करोड़ों में भी हो सकती है। लेकिन एक विशेष बात, ये जो 1000 वर्ष का राज्य है, उस राज्य में इस शरीर में जो लोग प्रवेश करेंगे, जो विश्वासी लोग प्रवेश करेंगे, वे वहाँ विवाह करेंगे, परिवार उनका बढ़ेगा, और जब राजाधिराज राज्य करेंगे तो दुनिया में अमन चैन होगा। इसलिए परिवार जो है, परिवार में और जनसंख्या में भयंकर विस्फोट होगा। हर चीज परिवार के लिए अनुकूल होगा। जब विस्फोट, जनसंख्या में विस्फोट होकर करोड़ों में लोग होंगे, तो उनके ऊपर शासन की जरूरत होगी, सरकार की जरूरत होगी, शासन की जरूरत होगी। ये कौन करेगा? हम लोग करेंगे। हम जो रूपांतरित शरीर में प्रभु के साथ होंगे, वो जिम्मेदारी हमारी होगी। ये बात मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ। यदि मुझे अवसर मिले तो मैं तो विनती करूँगा कि प्रभु, ये 1000 साल प्रभु के वचन से प्रीचिंग का या संदेश देने का मौका मुझे दिया जाए, हर व्यक्ति को उसके लिए उपयुक्त जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि मसीही विश्वास एक आशा में आधारित विश्वास है। जिस आशा में हमारा विश्वास आधारित है, उसकी क्या गारंटी है? गारंटी यह है कि प्रभु ने जो कुछ कहा था वो एक 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 करके हमारे सामने पूरा हो रहा है। प्रभु ने कहा था कि भूकंप होंगे, और मैं बता रहा हूँ भाइयों, पिछले कई बार मैंने पिछले 2000 साल के भूकंप का चार्ट देखा, हर बार भूकंप एक से अधिक भयानक होता जा रहा है। आप में से कुछ लोगों को याद होगा, आज से कुछ साल पहले गुजरात में भूकंप आया था, 5000 लोग मर गए थे, मिट्टी में पत्थरों के नीचे दबी हुई लाशें जब सड़ने लगीं, तो जो लोग वहाँ पर, उन लोगों को भोजन और अन्न देने के लिए केरल से गए थे, केरल से बहुत लोग गए थे भोजन और अन्न देने के लिए गए थे, उन लोगों ने, कई लोगों ने बताया कि जो चारों तरफ मिट्टी के अंदर किसी को कोई पता ही नहीं है, लेकिन उसमें जो झिर्रियां हैं उसमें से सड़ी हुई जो लाशें, उनका स्मेल निकल रहा है, वो कह, उन लोगों ने बताया कि उस इलाके में से जाना मुश्किल था, और वहां से केरल आ गए, महीना भर हो गया लेकिन वो बास नाक में से जा नहीं रहा है। 5000 लोग मारे गए थे, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद और भी कई भयानक हुए, जहां 6000, 8000, 10000 मारे गए। पृथ्वी में जो भूकंप आए हैं 2000 साल में, उसका एक ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ नीचे से आरंभ होकर यूं ऊपर को जाता है। युद्ध 1947-48 के आसपास, जब द्वितीय महायुद्ध, द्वितीय विश्व महायुद्ध समाप्त हुआ,
और जब यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की तब सब लोगों ने सोचा कि आखिरी युद्ध है, इसके बाद दुनिया में युद्ध नहीं होगा। लेकिन 1948 के बाद आज तक का जो समय है, इतने समय में हजारों युद्ध हो चुके, छोटे बड़े मिलाकर हजारों युद्ध हो चुके हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कितने युद्ध हुए, कारगिल का युद्ध आप सबको याद होगा। लेकिन मनुष्य, प्रभु ने कहा था कि युद्ध बढ़ेंगे, युद्ध समाप्त नहीं हो रहे हैं। उधर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया, रशिया ने सोचा हफ्ते भर में घुटना टिका देंगे, और अब जो है 1.5 साल से ऊपर हो गया है, युद्ध अभी भी चल रहा है, उन लोगों ने घुटने नहीं टेके हैं। इस बीच हमास नाम के ग्रुप ने जाकर इसराइल के ऊपर जो है मिसाइल दाग दिए, एक दिन में शायद आध घंटे के अंदर 1500 मिसाइल जो है ऐसे प्रदेशों में उन्होंने भेजे जहां मिलिट्री नहीं है। युद्ध के भी कायदे होते हैं, उसमें से एक कायदा यह है कि जहां पर आम जनता है वहां बम नहीं डालेंगे, वहां आप मिसाइल नहीं भेजेंगे, ये एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध समझा जाता है। लेकिन उन लोगों ने 1500 मिसाइल ऐसे प्रदेशों में भेजे जहां आम जनता निवास करती है, और लगभग उतने ही लोग 30 मिनट के अंदर मारे गए। इसराइल की आंखों में खून उतर आ गया, और मुझे लगता है 6 महीने हो गए अभी तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। हमास के 30,000 से 40,000 लोग मार डाले गए हैं, और इसराइल ने अभी भी युद्ध नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि हमास का आखिरी जवान जब तक जो है मार नहीं डाला जाएगा तब तक हम युद्ध नहीं रोकेंगे। अमेरिका ने कई बार, अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, इसराइल जरा सा देश है, केरल से भी छोटा है, अमेरिका ने कई बार इसराइल से अपील किया युद्ध बंद कर दो। इसराइल का जवाब था तुम साथ दोगे या नहीं दोगे हम युद्ध नहीं रोकेंगे। इसराइल का जो पिछला प्राइम मिनिस्टर था उसका एक स्टेटमेंट था, अमेरिका तो अभी कल आया है, इसराइल यहां पर पिछले 4,000 साल से है, आप साथ देंगे या नहीं देंगे हम यहीं रहेंगे, और हम अपने दुश्मनों को मटिया मेट कर देंगे, जरा सा देश है देख लीजिए। तो युद्ध बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। प्रभु यीशु ने यही तो कहा था कि युद्ध बढ़ेगा। प्रभु ने एक बात और कही थी, परिवारों में आपस में मन मुटाव होगा। आज परिवारों में जिस तरह से मन मुटाव है इस तरह से कभी नहीं था। उसके साथ साथ 18वें पद में हम पढ़ते हैं, बच्चों यह अंतिम घड़ी है, और जैसा तुमने सुना था कि मसीह विरोधी आने वाला है। याद जरा ध्यान से अपने हिंदी बाइबलों में देखें, मसीह और विरोधी के बीच में एक छोटी सी डंडी है जो इस बात को बताता है कि मसीह विरोधी एक शब्द है, एक व्यक्ति का टाइटल है। जैसे अपन कहते हैं ना डॉक्टर इंजीनियर, उसी तरह से मसीह विरोधी एक व्यक्ति का टाइटल है। प्रभु का वचन कहता है कि मसीह विरोधी आने वाला है। जब हम भविष्य के बारे में प्रभु का वचन जो कुछ कहता है उसका विस्तार से अध्ययन करते हैं तब उसमें साफ साफ लिखा है कि जब प्रभु की ये जो मंडली है जो इस समय दुनिया में है रूपांतरित शरीर में जब हम लोग उठा लिए जाएंगे तब 7 साल इस पृथ्वी पर अति भयानक प्रलय होगा। उस समय एक व्यक्ति लोगों को तसल्ली देने के नाम पर उठ खड़ा होगा, उसका नाम है मसीह विरोधी। उसका सोसाइटी में उसका नाम कुछ और होगा, शायद बादशाह के रूप में माना जाएगा, राजाधिराज के रूप में माना जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन उसको मसीह विरोधी कहता है। जानते हैं क्यों? जब
यहां से प्रभु यीशु की मंडली उठा ली गई, उसके साथ साथ पवित्र आत्मा जब इस संसार को छोड़ गए तो शैतान के लिए इस संसार में कार्य करने का सर्वोत्तम मौका है, खुला मौका है। तब मसीह विरोधी के लिए उठ खड़े होना भी जो है बहुत आसान होगा। प्रभु का वचन क्या कहता है कि मसीह विरोधी आने वाला है, वैसे ही अब अनेक मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है आने वाला जो है वो आएगा, लेकिन उसी के समान कई लोग अभी से कार्य कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु के नाम पे, प्रभु यीशु के नाम में जो लोग कार्य करते हैं, इनमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दरअसल प्रभु यीशु के साथ नहीं कार्य कर रहे बल्कि प्रभु के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। आप पूछेंगे, ऐसा भी हो सकता है क्या कि प्रभु यीशु के नाम से कार्य कर रहे हैं लेकिन प्रभु के विरुद्ध? जी हाँ, आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खड़े होकर पुलपिट में गरीबी से मुक्ति का संदेश देते हैं, बीमारी से मुक्ति का संदेश देते हैं, बेरोजगारों को नौकरी का संदेश देते हैं, चंगाई का संदेश देते हैं, स्वास्थ्य का संदेश देते हैं, धन धान्य का संदेश देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा जो शाश्वत जीवन है वो उनके संदेश में गायब है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है आज पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी इलाकों में ऐसे बहुत सारे तथाकथित भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं जिनकी सभाओं में पांच पांच, दस दस, बीस बीस हजार में जनता जुटती है। इनमें से कईयों के संदेशों को मैंने ध्यान से सुना है। इतना मन भावना संदेश होता है, इतना मन भावना संदेश होता है कि कुछ पूछो मत। लेकिन उस संदेश में प्रभु यीशु है क्या? प्रभु का नाम है लेकिन प्रभु नहीं है। प्रभु का नाम है लेकिन सूली पर प्रभु का जो कार्य है उसके बारे में कोई संदेश नहीं है। बस मेरे पास आओ और सामने जो बड़ी सी पेटी है इसमें अपनी जेब में जितना है उससे भी ज्यादा डालते जाओ, प्रभु तुमको चंगाई देंगे, प्रभु तुमको सफलता देंगे, प्रभु तुम्हारी शादी करवा देंगे, तुमको बच्चे हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। शाश्वत जीवन मिलेगा क्या? शाश्वत जीवन उनके संदेशों में नहीं है। ये कौन है? प्रभु यीशु के नाम को बेच खा रहे हैं। ये कौन है? मसीह विरोधी। आने वाले मसीही विरोधी जो है उसके बच्चे हैं ये, और वाकई में ये प्रभु को और प्रभु के वचन को बेच खा रहे हैं, बेचकर करोड़पति बन जा रहे हैं। इवन सरकार अलर्ट हो गई है, सरकार को भी लग रहा है कि ये लोग प्रभु यीशु के नाम से कुछ कर रहे हैं लेकिन ये सचमुच में प्रभु के सेवक नहीं, ये तो अपराधी हैं। इनमें से देखना बहुत जल्दी ही इनमें से कितनों को पकड़ के सजा दी जाएगी। ऑलरेडी आसाम में ये नियम बना दिया गया है कि आप खड़े होकर प्रभु यीशु चंगाई देंगे ये नहीं बोल सकते हैं। क्यों? सरकार ये समझ गई है कि चंगाई के नाम पे ये लोग अति भयंकर धोखाधड़ी चला रहे हैं। तो ये जो प्रभु का वचन कहता है कि अनेक मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं, हम सब देख रहे हैं। जरा आंख खोल के देखिए, इनके वचन में प्रभु यीशु का नाम है, प्रभु यीशु का काम नहीं है। प्रभु यीशु का नाम है, प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार नहीं है, शाश्वत जीवन नहीं है। उसके बारे में प्रभु का वचन ये टिप्पणी करता है, इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम घड़ी है। किससे हम जानते हैं? भाई प्रभु यीशु का नाम बेच रहे हैं। याद रखें, मसीही विश्वास में बेचने के लिए कुछ नहीं है।
यहाँ सिर्फ देने देने के लिए है। प्रभु यीशु ने अपना जीवन इस दुनिया के सबसे घोर पापी के लिए भी अर्पित कर दिया था। तो मसीही जीवन में लेन नहीं है, सिर्फ देन है। लेकिन ये जो हमारे ही भारत देश में जो नए लोग उठ खड़े हुए हैं, उनके यहाँ जाए, वहाँ सिर्फ लेन ही लेन है, देन कुछ नहीं है। मसीह विरोधी लोग उठ खड़े हुए हैं जो मसीह का नाम लेते हैं लेकिन जिनके संदेश में मसीह का संदेश नहीं है, उद्धार नहीं है। इस कारण आज जितने भाई और बहन प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रिय भाई प्रिय बहन, प्रभु यीशु के दोबारा आने के जो चिन्ह हैं वो एक एक करके हमारे सामने पूरे हो रहे हैं। प्रभु कब आएंगे ये ना तो मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है, लेकिन प्रभु जल्दी आएंगे ये बात हमको जान लेनी चाहिए। उसके अनुसार अपने जीवन को क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। मैं आप में से हर एक से आज शाम को कहना चाहता हूं, आप कौन हैं? आपको प्रभु ने जब शाश्वत जीवन दिया तब आपको क्या जिम्मेदारी दी है? वो जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं क्या? नहीं तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब जरा सोचें। मुझे प्रभु ने जो जिम्मेदारी दी है वो सारी जिम्मेदारियां मैं विश्वास योग्यता से पूर्ण कर रहा हूं क्या, ये जरा अच्छी तरह से सोचें। और यदि नहीं कर रहे हैं तो अपने जीवन में जो जरूरी बदलाव है वो लाएं। हाँ, यदि इस सभा में ऐसा कोई भी भाई या बहन है जिसने अभी तक प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके शाश्वत जीवन नहीं पाया है, तो आज इस सभा के बाद मेरे पास आएं, मुझसे बात करें, मैं आपको ये विषय अच्छी तरह से समझा दूंगा, जिससे आप प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके शाश्वत जीवन पा सकें। आज प्रभु ने इस तरह से जो मौका दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। एक बात मैं प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।